क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट कैसे किया जाए, बिल्कुल ध्यान से। तो पावर का बच्चों एक फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई, ये सबसे बेसिक सबसे पहला फॉर्मूला होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है। चलिए ये वाला वैल्यू ऊपर पुट अप कर देते अपन, तो P इज इक्वल टू V की जगह पर आई आर इंटू आई एज इट इज, तो P हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर आर। ओके, इसी इक्वेशन की हेल्प से मैं I इज इक्वल टू V अपन आर भी लिख सकता हूँ। चले अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू V V अपॉन R, तो V स्क्वायर बाय R। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें I स्क्वायर R है, देन VI है, देन v स्क्वायर अपॉन r है। दैट मीन्स हमारे पास नहीं है i अपॉन r स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर आएगा ऑप्शन b i r स्क्वायर, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिकल पावर।